ये श्रद्धांजलि समर्पित है मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरु और भगवान को। सोचिए एक पैर पर चलना कैसा होगा। सोचिए एक पैर से साइकिल चलाना कैसा होगा। जरा सोचिए अपनी पूरी जिंदगी एक पैर पर जीना कैसा होगा। क्या सिर्फ ये सोच आपको डराती नहीं है। अब सोचिए बोन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे लोगों को कैसा महसूस होता होगा जो जानते हैं कि वो अपना पैर गंवाने वाले हैं या उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने वाले हैं, एक कमी के साथ जीने वाले हैं। अब सोचिए उनके दर्द को मुस्कुराहट में बदलते हुए, उनके डगमगाते पैर, उनकी टूटती आशाओं और जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लाते हुए। सोचिए 2000 से भी ज्यादा लोग कितने खुशनसीब हैं जिन्हें अपनी जिंदगी को फिर से जीने का अवसर मिला और ये सब हो पाया एक शख्स की बदौलत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के जीवन को सुधारने में बिता दी। ये वो शख्स है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। वो आज भी बोन कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स को आधुनिकतम तकनीक के साथ इलाज सस्ते में करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बेमिसाल आविष्कार कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस की बदौलत उन्होंने न सिर्फ पैरों को बचाने के लिए ऑपरेशंस में एक बड़ा बदलाव लाया है, बल्कि साथ उन्होंने ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी को इंडिया में सब स्पेशलिटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उनके इन्हीं कार्यों के चलते आज दुनिया भर में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ है। दुनिया को बेहतर बनाने के अभियान में उनका प्रण है कि अगले 10 सालों में कैंसर के कारण हाथ या पैर काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। इंसानियत की रक्षा के लिए ऐसी है इनकी प्रतिबद्धता और पैशन। चलिए इस लिविंग लेजेंड की जिंदगी पर एक नजर दौड़ाते हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन नटराजन। प्रोफेसर माइल वाहनन एक ब्रिलियंट शिक्षाविद, कमाल के स्पीकर और एम्फेथेटिक सर्जन को दिसंबर 2009 में MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था। इस चुनौतीपूर्ण पद को संभालने से लेकर अब तक प्रोफेसर माइल वाहनन ने अपनी जिम्मेदारियां बड़े उत्साह और जोश के साथ निभाई हैं। उनका अप्रोच और सभी का ख्याल रखने की उनकी सोच यूनिवर्सिटी में उनके कार्यकाल की विशेषता रही है। प्रोफेसर माइल वाहनन हमेशा अपने स्टूडेंट्स की भलाई के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते उन्होंने स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कई बदलाव किए, जिसके चलते इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच संबंध अच्छे हुए। उन्होंने रीडिंग हॉल में AC लगवाए ताकि स्टूडेंट्स शांति से और आराम से पढ़ाई कर सकें। प्रोफेसर माइल वाहनन ने कई बदलावों की नींव रखी है जिससे यूनिवर्सिटी के स्तर में सुधार आया। उन्हीं में से कुछ उदाहरण हैं: सभी कोर्सेज को 4 मेजर हेड्स के अंडर डालना, मेडिकल, डेंटल, इंडियन मेडिसिन और एलाइड हेल्थ साइंसेज। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को आउटडेटेड नॉलेज बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस कर
उन्होंने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने की कोशिश की। उन्होंने ई जर्नल मेडेज को पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाया ताकि वो अपने साइंटिफिक आर्टिकल्स उसमें पब्लिश कर सकें। कई अच्छे बदलाव जैसे कि इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, ओएससी, ओएसपी, डीओपीएस और बोर्ड राउंड्स को लाना, एक नया डिस्टेंस कोर्स लॉन्च करना, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और नए एलाइड हेल्थ कोर्सेज को इनॉग्रेट करना ताकि अस्पताल सीखने का केंद्र बन सके, और हर साल 2 कॉन्वोकेशन करना ताकि सही वक्त पर स्टूडेंट्स को डिग्रीज, मेडल्स, एप्रिसिएशन दिया जा सके। यूनिवर्सिटी को चलाने के भाग में प्रोफेसर ने कुछ अच्छे बदलाव किए, और इन बदलाव के चलते यूनिवर्सिटी के हर स्टाफ को बैठने की जगह, कंप्यूटर और इंटरनेट दिलाया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 से 2008 यूनिवर्सिटी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपना सर्टिफिकेशन दिया। सिल्वर जुबली ईयर गेस्ट हाउस और ऑडिटोरियम का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। प्रोफेसर साहब ने 4थी और 5वीं मंजिल बनवाई और साथ ही इंस्टीट्यूशन में हर एक दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया। डॉक्टर्स डे, डेंटिस्ट्स डे, आयुष डे, नर्सेस डे और फिजियोथेरेपिस्ट डे, अपने अपने फील्ड के जाने माने लोगों को इस दिवस पर प्रोफेसर अवार्ड्स देकर सम्मानित करते हैं। इनकी स्पीच और मोटिवेशनल स्टाइल से सैकड़ों स्टूडेंट्स प्रोत्साहित हुए हैं और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। लोगों की जिंदगी को सुधारना और मौत को अच्छा बनाना, यही वो वैल्यूज हैं जो मेडिकल ग्रेजुएट को अपने अंदर ग्रहण करने चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि उनका कर्तव्य है कभी कभार क्योर करना, अक्सर रिलीव करना, लेकिन कंफर्ट हमेशा देना। इसलिए हम अपने स्टूडेंट को और कुछ नहीं, सिर्फ अपना खून और पसीना दे सकते हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन की जिंदगी पर यह वीडियो स्टूडेंट्स को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है ताकि वो भी अपनी अपनी फील्ड में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। साल 1988 से पहले बोन कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए एंडोप्रोस्थीसिस करवाना अकल्पनीय और अपनी क्षमता में नहीं हुआ करता था। ये ऑपरेशन सिर्फ विदेशों में होता था, वो भी बहुत बड़ी रकम देकर, लगभग $10,000। बिना किसी विकल्प के ये पेशेंट्स अपना पैर कटवाकर अपंग की जिंदगी जीते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ 1988 तक था। 1988 के बाद दुनिया भर में लोगों का जीवन बदल गया। इस साल प्रोफेसर माइल वाहनन ने अपने बेमिसाल इलाज करने के तरीके को इंट्रोड्यूस किया। प्रोस्थीसिस को आसानी से उपलब्ध और सस्ते दामों पर उन्होंने कईयों के लिए उम्मीद जगाई। पश्चिमी दुनिया में प्रोस्थीसिस के खर्चे के मुकाबले यहाँ ये इलाज सिर्फ $1,000 में होने लगा, यानी पश्चिमी दुनिया में खर्च के मुकाबले बेहद कम। इस अद्भुत आविष्कार को देखकर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैरान रह गई। 2000 लोगों की आशा और उनके पैर लौटाने का काम न सिर्फ काबिल तारीफ था, बल्कि एक जीनियस की निशानी थी। एक ऐसा जीनियस जिसने लोगों के उद्धार और बोन कैंसर से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने का प्रण लिया। जब उन्होंने गांधी जी से कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने से पहले पूछा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर उनकी कोई राय थी, तो उन्होंने ये कहा कि सोचो कि क्या आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन से इस देश के आम आदमी का फायदा होगा, अगर होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो इसी तरह जो पहले $8,000 में होता था वो आज $800 में होता है। इस तरह खर्च कम होने से मेडिसिन वहां पहुंचा है जहां उसे असल में होना चाहिए था। लोगों के लिए इलाज सस्ते दामों में मुहैया कराने के लिए प्रोफेसर माइल वाहनन ने अपनी सारी ऊर्जा, सारा एक्सपीरियंस और सारी एक्सपर्टीज कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस प्रोजेक्ट में डाल दिए। उनकी मेहनत रंग लाई और तब से लेकर आज तक
कईयों की जिंदगी सुधर गई है प्रोफेसर के कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस की बदौलत। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? आखिर प्रोफेसर को कौन सी चीज प्रोत्साहित कर रही थी और एक कामयाब सर्जन को ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में कैसे आना हुआ? चलिए उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं। क्रिसमस ईव सन 1954, प्रोफेसर माइल वाहनन नटराजन का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट और होशियार कपिल डॉक्टर नटराजन और जानकी के तीसरे बेटे। एक शांत और सुखद परिवार में पले हुए माइल वाहनन अपने एक भाई और तीन बहनों के बीच एक होशियार और समझदार इंसान बनते गए। घर के अनुशासन और नियम आज भी उनके साथ हैं। आज भी वो पहले की तरह सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर चाहे कितनी भी देर से सोए हों। ऐसी थी उनके माता पिता की सीख। मेरे पेरेंट्स का जन्म 20वीं सदी में हुआ था और उन्हें 5 बच्चों का सुख मिला, जो उनके लिए 5 हीरो की तरह थे, जिसमें से एक कोहिनूर हीरा था। उसका नाम है माइल वाहनन नटराजन। माइल अपने काम में बहुत डिसिप्लिन्ड और कंपैशनेट है। उसके दिल में सबके लिए प्यार भरा हुआ है। एक शब्द में कहा जाए तो वो ब्रिलियंट है। मैं कहूंगी मैं लकी हूं, ब्लेस्ड हूं कि मैं उसकी बहन हूं। माइल ने बहुत ही छोटी उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है। हमारे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने उनकी जगह ले ली और हमारा ख्याल भी रखा और हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स पे सलाह भी देते हैं। उसने हमेशा मुझे एक फ्रेंड ही समझा। हम 5ों भाई बहन की बॉन्डिंग एक चीज की वजह से मजबूत हुई थी। हम हर रोज सुबह 6 बजे पापा के कमरे में मिलते थे। वो 6 से 7 के बीच का 1 घंटा हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते थे। उन दिनों को आज भी याद करने पर मैं उन्हें मिस करता हूँ, जो उन दिनों हम भाई बहनों के बीच होता था। उस 1 घंटे में हम बातें, झगड़ा, बहस, हंसी और काफी कुछ करते थे। एक कहावत है, बेटा बाप के लिए क्या कर सकता है। उसकी पहचान दुनिया में अव्वल होनी चाहिए। हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की है, हमें पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया। और माइल के पास आज भी माँ का लिखा हुआ नोट है, जो उसने लैमिनेट करा के ऑपरेशन थिएटर में रखा हुआ है। कहावत है, पिता ने फर्ज पूरा किया। माँ इतना लिखकर रुक गई और आगे उन्होंने डॉट 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 कर दिया। और आप सभी लोग कहावत जानते हैं, पिता ने कर्तव्य पूरा किया। ये कहावत कहती है, बेटे को इतना नाम कमाना चाहिए कि पिता को उसके जन्म की खुशी हो। यही हर पिता की इच्छा होती है। हमें विश्वास है कि माइल अपने काम से आज हमारे माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे यकीन है स्वर्ग में बैठे मेरे पेरेंट्स माइल के अचीवमेंट्स को देखकर बेहद खुश होंगे। वो बहुत ही धार्मिक भी हैं, अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। उनकी नेचर ही ऐसी है। वो सबको गिफ्ट्स देते रहते हैं और सबको खुश देखना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो मेरे डैडी आकर हमको सुबह 4 बजे उठाया करते थे, लेकिन सिर्फ मेरे भाई माइल पहले से ही उठे होते और पढ़ाई कर रहे होते। मेल की वजह से मुझे अपने पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। अच्छी शिक्षा ने भी प्रोफेसर माइल वाहनन को एक बेहतरीन इंसान बनने में अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गुड शेपर्ड कॉन्वेंट से की। उनके बचपन के दोस्त उन्हें दिल का साफ और दयालु मानते थे, जो हमेशा अपनी क्लास में आगे थे। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वो MCC स्कूल गए। कैडेट्स मिश्रा। शिक्षक क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस के अलावा प्रोफेसर एक कैडेट की तरह NCC से भी जुड़े थे, नेशनल कैडेट को। उन्होंने PUC चेन्नई के लॉयलो कॉलेज से की। अपने स्कूल वेकेशन के दौरान प्रोफेसर हर बार कामुदी जरूर जाते थे, उनके पिता नटराजन का जन्म स्थल। प्रोफेसर माइल वाहनन के लिए उस समय की कई अच्छी यादें जुड़ी हैं, जैसे कि अपने पूर्वजों की जमीन से जुड़ना और अपने बचपन के दोस्तों के साथ छोटे मोटे खेल खेलना। बचपन में माइल वाहनन
न सिर्फ पढ़ाकू थे बल्कि साथ ही बहुत दयालु थे। वो आज भी अपने पूर्वजों के इस मंदिर में पूजा पाठ के दौरान अक्सर यहाँ आते हैं और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उनके दादाजी महालिंगम मूर्ति ने वहां लोगों की भलाई के लिए स्कूल बनवाया था। डॉक्टर माइल वाहनन का परिवार पहले से ही समाज सेवा और परोपकार के काम से जुड़ा है, इसलिए डॉक्टर माइल को परोपकार के काम करते हुए देखकर हैरानी नहीं होती। 1971 में पीयूसी की पढ़ाई पूरी करने पर उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि प्रोफेसर माइल वाहनन इस ऊंचाई और शिखर तक पहुंचेंगे और फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी कहलाएंगे। जल्दी ही प्रोफेसर माइल वाहनन की जिंदगी में नया बदलाव आया और वो शादी के बंधन में बंध गए एक बहुत ही स्पेशल और स्वीट संगिनी से जिनका नाम है तेनमूली, जो उर्दू में लपेट की थी। उनके मुताबिक वो ना सिर्फ स्वीट हैं बल्कि प्रोफेसर साहब का जिंदगी भर उन्होंने साथ निभाया है। हमारी शादी को 34 साल हो गए हैं। हमारी शादी के वक्त उन्होंने MBBS पूरा किया था, उसके बाद हायर स्टडीज MCH के लिए उन्हें लिवरपूल जाना था। उन्होंने कहा अगर अभी कोई बच्चा हुआ तो वो पढ़ाई के लिए जा नहीं पाएंगे, इसलिए 5 साल तक बच्चा प्लान नहीं करते हैं। उन्होंने जो भी कहा मैंने सपोर्ट किया। शादी के बाद मैं एक बहुत ही छोटे गांव से यहाँ आई थी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे एक महारानी की तरह रखा है और एक्चुअली वो मेरे लिए भगवान है। MBBS करने के बाद प्रोफेसर माइल वाहनन ने 1980 में मद्रास यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन कोर्स पूरा किया और 1981 में MS की डिग्री भी हासिल की। शादी के 9 साल बाद सन 1987 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। किस्मत ने थोड़ी चुनौतियां दी लेकिन दो बेहद प्यार करने वाले माता पिता भी दिए। ये मेरी पहली बेटी है देवी, जिसका हमारी शादी के 10 साल बाद जन्म हुआ। ये एक स्पेशल चाइल्ड है और ये मित्रा नाम के एक स्पेशल स्कूल में जाती है जो अन्ना नगर में है। माता पिता दोनों अपनी स्पेशल बच्चियों से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। उनकी दूसरी बेटी श्वेता अपने पापा के पद चिन्हों पर चल रही है और श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज में खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है। मेरे पापा मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। मैं वाकई में उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनके जैसे क्वालिटीज अपने अंदर चाहती हूँ, जैसे वो बहुत ही हम्बल हैं। पापा थैंक यू सो मच मेरे इंस्पिरेशन, मेरे गाइड बनने के लिए। मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है। मैंने आपसे ये अक्सर कहा नहीं होगा लेकिन मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ पापा। प्रोफेसर माइल वाहनन अपनी माँ के ज्यादा करीब थे। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट लेते थे तो माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले उनकी माँ ने उन्हें कुछ थिरुकुरल तमिल श्लोक पढ़ाए ताकि वो इंस्पायर हो सकें और उन्हें मोटिवेशन मिले। उन्होंने मेल को 2 कपलेट्स एक पेपर पर लिख कर दिए। ये रहे वो प्रसिद्ध तमिल कपलेट्स। सबसे पहला है इस कपलेट में बच्चे के भविष्य में पिता की भूमिका के बारे में लिखा है। पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को पढ़ाने और उसे सही सीख देने की ताकि वो आगे चलकर जिंदगी में कामयाब हो सके। मगन तंदे के आत्रम उदवीवन तंदे एन्नो ट्रांकुल एनुम सोल। इस कपलेट में पिता के प्रति बच्चे की जिम्मेदारियों के बारे में लिखा है। एक बच्चे को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जिसे देखकर लोग उनके माता पिता के संस्कारों की तारीफ कर सकें। दरअसल प्रोफेसर माइल वाहनन नटराजन की मां ने उन्हें दूसरा कपलेट अधूरा दिया जानबूझकर। उनका कहना था कि वो अपने माता पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बाद में निभा सकता है जब वो अपना लक्ष्य हासिल कर ले जिसकी उन्हें चाह है।
इस चैलेंज ने नौजवान माइल वाहनन पर गहरा प्रभाव डाला और शुरू से ही अपने सपनों को हासिल करने में जुट गए। 1985 में एमसीएच ट्रॉमा की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो यूनाइटेड किंगडम की लिवरपूल यूनिवर्सिटी में गए। वापस लौटते समय उन्हें बड़ा धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ बेहद बीमार हैं। उनकी माँ के जाने से डॉक्टर माइल वाहनन को गहरा सदमा पहुंचा। वो अधूरा कपलेट माइल को परेशान करने लगा। वो नहीं जानते थे कपलेट में आगे क्या था, लेकिन किसी तरह से उसे पूरा करने की चाह उनके दिल में जागी। जिंदगी में अपने लक्ष्य को याद रखने के लिए प्रोफेसर माइल वाहनन ने माँ द्वारा दिए गए नोट को अपने रूम की दीवार पर लगा दिया। माइल अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति मांगी। ऑर्थोपेडिक में एक्सपर्ट होने के नाते डॉक्टर नटराजन ने उन्हें चेन्नई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की सलाह दी, ताकि वो अलग अलग तरह के पेशेंट्स को देखकर एक्सपीरियंस ले सके। वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के तौर पर उन्होंने कस्टम मेगा प्रोसेसेस में कई एडवांसमेंट्स किए बोन ट्यूमर के इलाज के लिए। बहुत कम लोग जानते हैं, एक स्टूडेंट के तौर पे माइल वाहनन एक बेहतरीन लर्नर थे। उनके नोट्स से नोटबुक्स भर जाती थी। वो किसी भी चीज की बेसिक को अच्छी तरह समझने में यकीन रखते थे। वो अपने हर सब्जेक्ट में एकदम थरो थे। उनके नोट्स आई एम श्योर आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनके कॉलेज में, जहां उनके स्टूडेंट्स उनके नोट्स से अपनी पढ़ाई के लिए नोट्स बना रहे हैं। मैंने उन्हें एक होलसम व्यक्ति की तरह देखा है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। इसलिए नहीं कि वो मेरे फ्रेंड हैं, वो हर रोल में फिट हैं। एक प्रोफेसर के तौर पर, सर्जन के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, एज ए वाइस चांसलर, एज ए पर्सन, वो सबको इक्वल मानते हैं। मुझे उनकी जिंदगी का एक किस्सा याद है। जब उनके पापा गुजर गए थे, वो तब के प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम से मिलने वाले थे और सब सोच रहे थे कि माइल जाएंगे या नहीं। उनके दोस्त, उनके परिवार वाले सब घर पर इंतजार कर रहे थे और माइल दिल्ली जाकर प्रेसिडेंट से मिले, काम पूरा किया और जिम्मेदारियां निभाने के लिए घर लौट आए। अपने पापा की सलाह मानकर प्रोफेसर माइल वाहनन ने एमसीसी में सिखाना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे ऑर्थोपेडिक के वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर की पदवी हासिल की। वो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड बन गए, जहां उन्होंने कुछ बेहतरीन निर्णय लिए जिन्हें यूनिवर्सिटी हमेशा याद रखेगी। प्रोफेसर माइल वाहनन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने पापा द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड को अचीव किया। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते प्रोफेसर ने कई रिफॉर्म्स किए और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ पूरे डिपार्टमेंट को वर्ल्ड क्लास डिपार्टमेंट में तब्दील कर दिया। बहुत कम बार ऐसा होता है जब सेकंड जनरेशन भी पेरेंट प्रोफेशन में कंटिन्यू करती है, और अगर करती भी है तो बहुत ही मुश्किल से सक्सीड होती है और अक्सर उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता। अगर वो आपसे वादा करें कि वो आपको एक सेफ्टी पिन देंगे और वो भी 24 दिसंबर 2012 को सुबह 8 बजे तो वो आएंगे और पिन देंगे, हो सकता है आप भूल गए हो। पता है इस कदर वो कमिटेड है और लोगों को पता है कि वो अपने काम के प्रति इतने कमिटेड है। और अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को उनके महान काम के बारे में जो उन्होंने कैंसरस ट्यूमर और बोन के लिए किया। और उस दौरान उनकी पोजीशन को देखते हुए, जो एक महान ऑर्थोपेडिक सर्जन के बेटे हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे। वो चाहते तो ऑर्थोप्लास्टी या ट्रॉमा या स्पाइन लेकर खूब पैसे कमा सकते थे, पर उन्हें तो कैंसर पर काम करना था। वो भी इसलिए क्योंकि उनको उन गरीब लोगों की मदद करनी थी जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं, और उन्होंने उन लोगों की मजबूरियों को समझा और उन्हें एक नई जिंदगी दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस जैसा आविष्कार करके। उन्होंने कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को अपनी तरफ से मदद की ताकि वो यूके में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। मैं उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ। वो जिंदगी भर अपने आसपास मौजूद लोगों को उनसे जितना हो सका सिखाते आए हैं। इसके बावजूद वो एक लर्नर हैं। उनका दिल और दिमाग किसी भी नए आइडिया के लिए
हमेशा ही खुला रहता है। मुझे शिव खेरा की एक बात याद आती है, विजेता कुछ अलग नहीं करते, वही चीज अलग तरीके से करते हैं। सर, आप एक असली विनर हैं। वो एक डिसीजन मेकर है, उनके डिसीजंस कमाल के होते हैं। वो अपने डिसीजंस तुरंत एकदम सही और निडरता से लेते हैं। ऐसे कमाल के हैं हमारे डॉक्टर महिलवाहन नटराजन। यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंचा दर्जा और अपने पापा की गद्दी हासिल करने के बावजूद उनके अंदर कुछ था जो उन्हें खल रहा था। उन्हें लगा वो अपनी माँ द्वारा दी गई सीख पर चल नहीं पाए। उन्होंने अपने दिल से आ रही आवाज को कार्य रूप देने की कोशिश की। उन्होंने एपिफनी महसूस की, अपनी जिंदगी को गहराई से देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, उन लोगों के लिए हुआ है जो बोन कैंसर से जूझ रहे हैं। उनके सामने उनकी मंजिल साफ हो गई। उन्होंने तय किया कि वो बोन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सहायता करेंगे और उनकी जिंदगी बदल देंगे। ये उनके करियर का सबसे बड़ा पल था और शायद उनकी जिंदगी का भी। डॉक्टर माइलवाहन नटराजन, जाने माने डॉक्टर नटराजन के बेटे हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका और मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा है, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। वो मेरे लिए एक फिलोसोफर, फ्रेंड, गाइड और भाई की तरह हैं। वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का मुझे हल बताते हैं। मेरे परिवार का हर सदस्य उन्हें बहुत चाहता है। उनका काम देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाता हूँ। वो हमेशा काम करते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो। वो बहुत ही शांत इंसान है और इस सब से बढ़कर डॉक्टर माइलवाहन एक नेकदिल इंसान है। जब वो 12 साल के थे तो मेरा कोई नाम नहीं था। मैं उनके पापा का बहुत ही फेवरेट असिस्टेंट था। हैरानी नहीं होती कि इतना जवान व्यक्ति, होशियार व्यक्ति आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक है। इन जैसे महान लोग समाज को हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हम खुद अपने समाज को उठा सकते हैं और ऐसा करने में हम वक्त की रेत पर अपने पदचिन्ह छोड़ जाते हैं। हम डॉक्टर माइलवाहन को 1980 में यूके में ट्रेनिंग से भारत लौटे एक जवान ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर जानते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हीं की बदौलत आज ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में इतना बड़ा बदलाव आया है और कईयों के पैर बच गए हैं। जहाँ भी मरीज के पैर काटने की बात आती, वो उसे ना होने देते हुए पैरों को बचाने का प्रयास करते। उनकी इस कोशिश की बदौलत कई लोगों के पैर बच गए हैं। इस सफलता का अंजाम ये हुआ कि कईयों की जिंदगियां सुधर गईं और लोगों को ऑर्थोपेडिक सरकोमा की बीमारी से लड़ने का अवसर मिला। जैसे ही आइडिया ने आकार लिया, प्रोफेसर माइलवाहन को इस प्रोजेक्ट को संभालने और उसे पूरा करने के लिए टीम की जरूरत का एहसास हुआ। तब एक कमाल की टीम का निर्माण हुआ। सबसे पहले कामयाबी मिसेस लथरा के रूप में आई। पहली बार उन्हीं को प्रोस्थीसिस लगाया गया, जिसे मुंबई के सुश्रुत सर्जिकल से लाया गया। यह ऑपरेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और प्रोफेसर माइलवाहन की बदौलत उनका पैर बच गया। उनके ऑपरेशन की कामयाबी ने प्रोफेसर के आविष्कार को सही सिद्ध किया। ये एक जायंट सेल ट्यूमर का केस है जो लेफ्ट पैर पर था। ये एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर था जो दोनों कॉन्डाइल्स पर था।
इसलिए कॉन्डाइल्स को रिसेट करके हमने अंदर मेटल डाला, डिस्टल फेमरल कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस, और इस प्रोस्थेसिस को पूरी तरह इंडिया में बनाया गया है, और कॉस्ट वाइज ये प्रोस्थेसिस सिर्फ 40,000 रुपए का है, जो कि इंपोर्टेड प्रोस्थेसिस का सिर्फ 10% है। तो ये ऑपरेशन हमने लगभग 24 साल पहले किया और इस प्रोस्थेसिस के साथ ये स्वस्थ हैं। मुझे डॉक्टर माइल की सबसे बड़ी बात ये लगती है कि उनका धीरज कमाल का है, वो कभी ना नहीं सुनते हैं। मैंने डॉक्टर माइल की पहली लिम्ब कंजर्वेटिव सर्जरी में उनकी मदद की थी। सबसे मुश्किल हिस्सा है ट्यूमर से ब्लड वेसल को अलग करना। बिना ब्लड वेसल के लिम्ब जिंदा नहीं रह सकता। हम बोन ट्यूमर से ब्लड वेसल को अलग करने में कामयाब रहे। हमने ट्यूमर को हड्डी के साथ निकालकर उसे प्रोस्थेसिस से रिप्लेस किया। वो जाकर प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम से मिले और उनसे गुजारिश की कि वो ऑपरेशन के लिए खास मेटल दिलवाएं, और इस मेटल की वजह से प्रोस्थेसिस और भी हल्का और मजबूत बन पाया। इस प्रक्रिया को वेस्ट में किया जा रहा था, लेकिन यहाँ हमारे देश में नहीं। जब उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस पर काम शुरू किया तो मैं खुशकिस्मती से उनका एसोसिएट था। जब भी वो कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस के पेपर को प्रेजेंट करते थे तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने से डरते नहीं थे। उनके मेडिकल दिमाग के अलावा उनके पास एक कमाल का इंजीनियरिंग दिमाग भी है। माइल हमेशा प्रोस्थेसिस की बनावट में अपना सुझाव देते थे और इंजीनियरिंग एसोसिएट्स उनके सुझाव पर प्रोस्थेसिस को फाइनल आकार देते थे। मुझे याद है कि कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई मरीज इलाज के पैसे देने की हैसियत ना रखता हो तो माइल उसकी फीस माफ कर देते थे, और इस तरह की मदद वो सभी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को देते रहे हैं। बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां जिन्हें बोन कैंसर था, वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद आज खुद के पैरों पर बिना तकलीफ के चल रहे हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन नटराजन ने अपनी कोशिश से इस ट्रीटमेंट को इतना सस्ता बना दिया कि आम आदमी को कम से कम खर्च में बिना अपने अंग का हिस्सा खोए इसका लाभ मिल सके। जहां तक एजुकेशन की बात है, वो एक लाजवाब टीचर हैं। उन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट्स को हर चुनौती के लिए तैयार किया, बल्कि सर्जिकल प्रैक्टिस के दौरान उनके साथ हर वक्त खड़े रहकर उन्हें उत्तम सर्जन बनने में मदद की। मैं मानता हूं, वो काम में सख्त हैं, लेकिन दिल से अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा जूनियर डॉक्टर्स की मदद की है जब भी जरूरत पड़ी। जहाँ तक डॉक्टर माइल वाहनन की बात है, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड हैं। महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, अगर पैदा हुए हो तो नाम कमाना चाहिए, वरना जन्म बेकार है। डॉक्टर माइल इसी बात के उदाहरण हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन ने ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के लिए बहुत काम किया है, और ये तब से नजर आया जब वो 1989 से तमिलनाडु ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में अपना काम प्रेजेंट करते आए। 1989 ही वो समय था जब सर्जन्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल ऑपरेशंस ना करते हुए एम्प्यूटेशन यानी अंग काटने का ऑपरेशन करते हैं, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने ट्यूमर निकालकर अपना कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस प्लांट करना शुरू किया। एक बार आर्क बायोमैकेनिकल इंजीनियर्स मिस्टर जे सिंह बोन कैंसर से जूझ रही अपनी बेटी का इलाज करवाने प्रोफेसर के क्लिनिक में आए। उस पर प्रोस्थेसिस पहले लग चुका था, लेकिन ये प्रोस्थेसिस अचानक टूट गया। ये एक दुर्घटना थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। मिस्टर जे सिंह ने प्रोफेसर के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में नया प्रोस्थेसिस बनाने का फैसला किया। प्रोफेसर माइल वाहनन ने तुरंत मिस्टर जे सिंह को प्रोस्थेसिस की हर बारीकी समझाई। उनकी इस कोशिश के चलते मिस्टर जे सिंह ने माइल वाहनन के साथ एक सौदा किया और आम आदमी के लिए सस्ते दाम में कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस को बनाने का वादा किया। मेरी जो दूसरी बेटी है मारिया साल्वी, जब वो 18 साल की थी तब एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज से लौट कर टाइपिंग क्लास जाते हुए वो गिर गई थी। तब उसके अगले दिन मैं उसे लेकर डॉक्टर माइल वाहनन नटराजन के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि ट्यूमर बहुत फैल चुका है, हालत नाजुक है, और उन्होंने हमें सभी जरूरी टेस्ट करवाने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोन रिप्लेसमेंट मुमकिन है और इम्प्लांट करना होगा। लोकली मिलने वाले इम्प्लांट से तब सर्जरी पूरी हो गई, लेकिन फिर इम्प्लांट टूट गया और उसे रिप्लेस करना था। जब मैंने डॉक्टर
माइल वाहनन से कहा कि मैं इम्प्लांट बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कोशिश करो। उसके बाद मैंने खुद से डिज़ाइन किया और फिर डॉक्टर को बताया, जिसे उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा सर्जरी की और सर्जरी सक्सेसफुल रही। बस उसके बाद से ही मेरी बेटी नॉर्मल है। प्रोफेसर माइल वाहनन की ये कोशिश रंग लाई। कईयों को इस आविष्कारी प्रोस्थीसिस से फायदा हुआ, जिसके चलते उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 2004 में उन्हें डॉक्टरेट डीएसई की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। वो पहले भारतीय थे जिन्हें 2000 से 2002 के बीच जग प्रसिद्ध एशिया पैसिफिक मस्कुलर स्केलेटल ट्यूमर सोसाइटी का मिलेनियम प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्हें लिम्ब सेल्वेज सर्जरी में एक्सेलेंस के लिए ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन विशबोन ट्रस्ट अवार्ड दिया गया। 2009 में उन्हें एओ इंडम में एफआरसीएस द्वारा फेलोशिप दी गई। इतना ही नहीं, हमारा देश भी इस धरती के लाल को सम्मानित करने में पीछे नहीं रहा। इन्हीं सम्मानों में से एक है 2007 का प्रेस्टिजियस सिविलियन नेशनल अवार्ड पद्मश्री, जिन्हें खुद उस समय के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। इस सम्मान के अलावा उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड भी दिया गया। साथ ही 2005 में अपाहजों की मदद करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया और हाल ही में 2012 में उन्हें डायनेमिक इंडियन ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अपने हाथों से सम्मानित किया। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के अलावा प्रोफेसर माइल वाहनन कई मेडिकल बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी बने। उन्हीं में से कुछ हैं, प्रोफेसर माइल वाहनन 1999 से 2000 के बीच तमिलनाडु ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा वो 2000 से 2002 के बीच एशिया पैसिफिक मस्कुलर स्केलेटन ट्यूमर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने। साथ ही वो 2005 से 2006 के बीच इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन IOA के प्रेसिडेंट बने। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होने के नाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो कई बदलाव लेकर आए, जैसे कि बोन बैंक को ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से जोड़ा। 2005 गवर्नमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सौंपा। ऑर्थो स्किल्स लैब को इनॉग्रेट किया। चेन्नई के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में बेड की संख्या 150 से 300 कर दी। एक इम्प्लांट बैंक और स्पाइनल इंजरी यूनिट को खोला। ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमेटोलॉजी के इंस्टीट्यूट को खोला। अपनी कोशिशों से संतुष्ट होकर प्रोफेसर ने अपना ज्ञान दुनिया भर में बांटने का फैसला किया। उनकी सोच ने उनसे कई किताबें लिखवाई, जो आज दुनिया भर में कई मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण रेफरेंस मटेरियल की तरह हैं। अब तक उन्होंने 8 किताबें लिखी हैं और अलग अलग मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में 11 चैप्टर्स एडिट किए हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 23 पेपर्स पब्लिश किए हैं और 25 राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट कॉन्फ्रेंसेस में 185 गेस्ट लेक्चर दिए हैं। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के सम्मान में उन्हें 15 इंटरनेशनल और नेशनल फेलोशिप्स दी गई हैं और अलग अलग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में 18 ओरेशंस मिले हैं। प्रोफेसर माइल वाहनन ने 8 तरह के कस्टम मेगा प्रोस्थीसिस डिजाइन किए हैं, जिन्हें पेटेंट किया गया है। 15 नए प्रोस्थीसिस डिजाइन्स को कंट्रोलर जनरल पेटेंट में रजिस्टर किया गया है। मैंने उन्हें काम करते देखा है, मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। अकेले अपने दम पर प्रोफेसर नटराजन ने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कई बदलाव किए, कई छोटे कोर्सेज खोले, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम खोला, यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेने के तरीके को बदल दिया।
सब्जेक्टिव की बजाय एग्जाम्स को ऑब्जेक्टिव बनाया, यूनिवर्सिटी के स्तर को बढ़ाया, ई जर्नल्स को इंट्रोड्यूस किया, ई फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को सुधारा, कैंपसेस को बड़ा किया, गेस्ट हाउसेस को बनाया। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। जितना मुझे ध्यान है, दुनिया में किसी भी वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के लिए इतना नहीं किया जितना माइल ने किया है वाइस चांसलर के तौर पर। हैट्स ऑफ टू यू माइल। बहुत कम उम्र से उनमें वो सारी खूबी थी जो आज डॉक्टर महिल वाहनन नटराजन को इतना स्पेशल बनाती है। जब भी मैं माइल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक थेरुकुलर याद आता है, जिसे समझने से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है। वो कुछ ऐसी है जैसे कमल की जड़ों की गहराई तालाब की गहराई पर निर्भर करता है, वैसे ही एक इंसान उतना ऊपर बढ़ता है जितना गहरा उसका दिल होता है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई है जिनका दिल इतना बड़ा, इतना गहरा है जितना प्रोफेसर माइल वाहनन का है। यूनिवर्सिटी में होते हुए प्रोफेसर माइल वाहनन की कोशिश की वजह से देश भर का आम आदमी बहुत ही कम पैसों में बोन कैंसर का इलाज करवा पा रहा है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि अपने दिमाग के साथ दिल का भी इस्तेमाल किया करो। वो हमेशा से ही यूनिवर्सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे और उन्हें एक मौका भी मिला डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने का। तब वो वाइस चांसलर बने और उन्होंने यूनिवर्सिटी में कई बदलाव लाए, कई नए आविष्कार भी किए। उन्होंने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिससे आम आदमी भी अपना इलाज करवा सके, जैसे कि नी जॉइंट का केस। उसमें प्रोस्थेटिक्स को लगाने का खर्चा करीब 40,000 तक होता है, लेकिन अगर कोई शख्स इतने पैसे नहीं दे सकता तो वो 10,000 का प्रोस्थेटिक्स लगवा सकता है। ये प्रोस्थेटिक सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है, इसमें पैर सीधा रहेगा और उसे काटना नहीं पड़ेगा। ये सब हो पाया है डॉक्टर माइल की बदौलत और उन्होंने इस डिजाइन को पेटेंट भी करवाया है, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है। डॉक्टर माइल वाहनन नटराजन एक कमाल के सर्जन हैं और ये अपोलो हॉस्पिटल से लगभग 3 दशक से जुड़े हुए हैं। वो जो भी करते हैं उसमें उन्हें महारत हासिल है। प्रोस्थेसिस को कस्टमाइज करने का आइडिया उन्हीं का था। वो एक बेमिसाल सर्जन हैं। इस काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार और उपलब्धियां मिली। इसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड और सर बीसी रॉय अवार्ड से नवाजा गया। उनसे न सिर्फ हमारे देश के लोगों को बल्कि विदेशियों को भी फायदा हुआ है और अपोलो हॉस्पिटल में हम सभी आदरपूर्वक उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं भी उनसे प्रभावित हूँ और अपने पिता की तरह उनके पिता डॉक्टर नटराजन, जो कि एक फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन थे हमारे इस महान देश के। डॉक्टर माइल वाहनन नटराजन एक ऐसे शख्स हैं जिनसे सब प्रभावित हैं, एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों की निगाह में और एक इंसान के तौर पर पूरा अपोलो हॉस्पिटल उनका सम्मान करता है। ऑर्थोपेडिक ऑंकोलॉजी में किया गया उनका काम वाकई में काबिले तारीफ है, बेमिसाल है और वो उन लोगों के लिए साइकोलॉजिकली मदद करते हैं जो इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मौत को छूकर वापस आ रहे हैं और आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं एक भयानक दौर से गुजरने के बाद। आई सल्यूट यू सर एज एन इंडियन, एज योर एक्स पेशेंट होपफुली, और उन सभी की ओर से जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, नमस्कार। प्रोफेसर माइल वाहनन के कई दोस्त और परिवार वालों ने उन्हें उनकी मां द्वारा दिए गए अधूरे तिरुकुरल को पूरा करने की गुजारिश की। प्रोफेसर माइल वाहनन पूरी ह्यूमिनिटी के साथ बोले कि इस तिरुकुरल को पूरा करने का हक समाज का है। वो ही तय करेंगे कि क्या वो अपनी मां के सपने को पूरा कर पाए हैं। न सिर्फ हम प्रोफेसर माइल वाहनन की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी मां द्वारा दिए गए कपलेट को पूरा भी किया।